नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सभा में इकट्ठा होकर आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्ण बहिष्कार का ऐलान किया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि बिना मार्ग बने किसी भी सूरत में आगामी लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे। ककरौली क्षेत्र के गाँव टंडेड़ा के ग्राम प्रधानपति खुर्रम अजीज ने बताया कि देश की आजादी के बाद से आज तक बेहड़ा सादा टंडेड़ा मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। किसी भी चुनाव के समय विभिन्न पार्टियों के नेता वोट मांगने आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। किसी भी नेता को ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों का दर्द दिखाई नहीं देता। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानपति ने कहा कि ग्रामवासियों ने चुनाव के पूर्ण बहिष्कार का फैसला किया है। यदि इस मार्ग का निर्माण नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में गाँव में आई सभी ईवीएम मशीनें बिना वोटिंग के वापस जाएंगी। यह कावड़ मार्ग भी है। साल में दो बार बुलंदशहर व गढ़ मुक्तेश्वर तक की कावड़िए इस मार्ग से गुजरते हैं। गाँव टंडेड़ा के निवासी इस मार्ग से मोरना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना ककरौली, सीओ ऑफिस मोरना, तीर्थ नगरी तीर्थ व जिला मुख्यालय आदि जाते हैं। इस मार्ग की हालत बड़ी खस्ताहाल है, जिससे टंडेड़ा, जड़बड़, कटिया, सिकंदरपुर आदि गांवों के लोगों को इस मार्ग से गुजरने में काफी परेशानी हो रही है। यह मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक यह मार्ग नहीं बन जाता। गांव टंडेड़ा के ग्रामीणों के साथ साथ पास के अन्य गाँव के ग्रामीणों भी जल्द ही इस मुहिम से जुड़ेंगे। सभा की अध्यक्षता मोहम्मद अली अंसारी ने की और संचालन ग्राम प्रधानपति खुर्रम अजीज ने किया। हमारे गाँव के लोग दर्द और दर्द यह है जो हमारा बेड़ा से टंडेड़ा मार्ग है, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है और ख़राब होने का दर्द यह है। हमारा जिला यहाँ से पड़ता है, अस्पताल यहाँ से पड़ता है, समिति यहाँ से पड़ती है, सुकरताल धाम यहाँ से पड़ता है और थाना यहाँ से पड़ता है। और ये कावड़ यात्रा मार्ग है जो कई जिलों को जोड़ता है, आपका बुलंदशहर तक जोड़ता है। और इतनी जर्जर हालत है, ना तो कावड़ यात्रा निकलती, ना लोग जा सकते और ना गाँव वाले जा सकते। क्या चुनाव का पूर्ण बहिष्कार? पूर्ण बहिष्कार है। वोट रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड है तो वोट है, वरना से बहिष्कार। पूरा गांव साथ है, हर गांव का बच्चा बच्चा साथ। इस संबंध में गांव वालों ने क्या निर्णय लिया है, कैसे रणनीति को आगे बढ़ाएंगे? जब ये अभी चार दिन पहले सड़क में काम चला, गांव वाले निकले, उन्होंने प्रधान को फोन किया, संपर्क किया, उन्होंने जिम्मेदार लोग जोड़े और जिम्मेदार लोगों ने गाँव वाले जोड़े और गाँव वाले जोड़े, क्या गाँव वाले खुद इकट्ठा हो गए अपने आप, क्योंकि सबको परेशानी थी। और परेशानी अकेले को नहीं है, मुझे नहीं है, हर बच्चे बच्चे को है। और बल्कि हमें नहीं, जो पिछले गाँव है उन्हें भी है, हमें तो यही पिछले गांव वालों को भी है, और लोग पीछे पीछे भी जुड़ जाएंगे, पिछले गांव वाले जुड़ेंगे। क्योंकि यहाँ से बताया ना मैंने कि बुलंदशहर तक रास्ता जुड़ता है, सीधा लक्सर जुड़ता है बुलंदशहर तक, और रास्ते हालात ज़्यादा ख़राब है और गांव में ज़्यादा दर्द है। भाई ये रास्ते का प्रकरण है बेड़ा से और टंडेड़ा तक। अभी जैसे प्रधान जी ने बताया कि पिछले 70-75 वर्ष से चला रहा प्रकरण, ये रास्ते का कच्चा था और लगभग ये 1700 मीटर जो पक्का रास्ता है, कम से कम 3 बार ऐसे ही रिपेयरिंग हो चुकी है। इससे आगे जो कच्चा रास्ता है उस पे जिस हम जो हमारी जनप्रति है, वो विधायक हो, एमपी हो, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनसे जब भी बात की हमने तो सभी बताते हैं कि मैंने प्रस्ताव दे दिया। प्रस्ताव देने के बावजूद काम नहीं होता। अच्छी सड़कें हैं, अभी आप जाओगे इधर देखियो तो अच्छा टुकड़ा था, उसे उखाड़ के दोबारा से उसी के ऊपर फिर उसकी मरम्मत करी जा रही है। तो हमारी तो मांग यही है गाँव वासियों की कि ये लगभग 4.5 किलोमीटर का रास्ता है, इसे पक्का कराया जाए। और ये रास्ता बड़ा महत्वपूर्ण गांव मतलब रास्ता है, एक तो कावड़ मार्ग है और यहाँ से लेके आपके बेड़ा से लेके लगभग ये मान के चलिए आप कि हाँ इधर कावड़ जल मार्ग है ना, इधर जल चढ़ता है कौन सा एक, नहीं नहीं संभालेड़ा भी है और एक गढ़ मुक्तेश्वर, वहाँ तक के कावड़िए यहाँ जाते हैं साल में दो बार। उसके बाद में हमारा स्वास्थ्य केंद्र है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है मोड़ना, हमारा थाना ककरौली बेड़ा वो इसी से जुड़ा हुआ है, हमारी सोसाइटी है गन्ना सोसाइटी वो इससे जुड़ी हुई है। अगर यहाँ कोई अपराध हो जा आज की तारीख में, अगर हम इमरजेंसी कोई कॉल करें ऐसे साहब को, तो कम से कम आधा घंटे में वो खुजड़े को घूम के आएंगे, और अगर तो रास्ता बढ़िया बन जा तो 5 मिनट में आ जाएंगे। तो क्या आप चुनाव का पूर्ण बहिष्कार? बिल्कुल पूर्ण बहिष्कार है और ये किसी एक का फैसला नहीं, ये सर्व समाज का फैसला। इसी गांव से विधायक रहे हैं मौलाना जी, जी क्या उनके कार्यकाल उनके कार्यकाल का भी यही हाल रहा जो इन लोगों का है, और का उनके हमारे सवाल उनसे भी यही थे, उनके जवाब यही थे जो इन जनप्रतिनिधियों के हैं। क्या चुनाव बहिष्कार में वे भी आपके साथ है? वो चुनाव लड़ रहे हैं आज की तारीख में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से, वो यहाँ है ही नहीं, ठीक है जी। तो चुनाव बहिष्कार है पूर्ण रूप से, सड़क नहीं तो वोट नहीं। देखिए ये गांव जो है पिछले 500 सालों से इस रास्ते के मुतालिक जो है त्रस्त है। इस गांव में एक बार पहले
जब कभी आसपास के गांव में भी बस नहीं आती थी तब बस आती थी इसी रास्ते से। कच्चा रेत था उसको हटा हटा के सुबह मजदूर हटाते थे उसके बाद बस आती थी। लेकिन आज दौर यह है कि उस रास्ते पर बस तो बस पैदल जाना भी मुश्किल है, कच्चा रास्ता है। उसी के मुताबिक जो है लोगों ने त्रस्त होकर जो है ये निर्णय लिया है। और देखिए इतने बड़े मामले में कोई इतनी आसानी से भूख हड़ताल पर या किसी भी तरीके से या सभा करके या आचार संहिता होने के बावजूद भी मतलब इस तरह का आयोजन होता है तो कुछ मजबूरियाँ ही होती हैं। हम तो पिछले 50 सालों से वोट देते ही आ रहे हैं, हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सभी पार्टियों को वोट दिया है आज तक। और इस गांव के जनप्रतिनिधियों ने, इस गांव के नुमाइंदों ने सभी नेताओं से जाकर जो सबसे बात की है, सभी से आज तक के इस रास्ते के मुतालिक जो मांग की है, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाया। अभी पिछली बार में ये रास्ते की पैमाइश 4700 मीटर समथिंग जो है कराई गई थी, PWD विभाग के अधिकारियों ने की थी। उसके बाद पता ये लगा कि 2700 मीटर की स्वीकृति आई है लगभग 4-5 महीने पहले। लेकिन अभी जो रास्ता बनाया जा रहा है उसके काम लगने के बाद पता लगा कि वो सिर्फ 1700 मीटर है। वो भी पुरानी जो सड़क है उसी सड़क को रिसाइकल करने का प्रोग्राम है, दोबारा से उस पर डावर डालने का। जब गांववासियों को इस पर पता लगा तो गांववासी जो है थोड़ा सा इस बात से आगाह हुए, उन्हें हक्का बक्का धक्का लगा। और गाँव वाले अचानक ही जब उन्हें पता लगा तो यहाँ अचानक स्कूल में परसों जो इकट्ठा हुए 3 दिन पहले, उसके बाद ये मुहिम चालू है। क्या चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं? पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, कोई वोट इस गांव से किसी का भी कोई वोट नहीं जाएगी। इस गांव से कोई आदमी अगर किसी को भी कोई वोट डालेगा तो गांव उसका बहिष्कार करेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।